Swayam Prabha, Digital India, Educated India. वेल स्टूडेंट्स माय नेम इज़ डॉक्टर अजय कुमार सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ लॉ बी टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस पावर ऑफ हाई कोर्ट्स दिस इज माय सिक्सटींथ लेक्चर यह मेरा संवैधानिक विधि का सिक्सटींथ लेक्चर है और जिसके अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालयों एवं उसकी शक्तियों के विषय में बात करेंगे जैसा कि आपको बताया संवैधानिक विधि के अंतर्गत मैंने इसको लेक्चर नंबर 16 16 के रूप में राज्यों के उच्च न्यायालय एवं उसके पावर्स क्या हैं इसके पहले मैंने आपको केंद्रीय न्यायपालिका के विषय में बताया इस व्याख्यान के अंतर्गत मैं हाई कोर्ट के क्या पावर हैं और उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए और अपने न्यायालय अपने निर्णय के प्रवर्तन के लिए किस प्रकार से संविधान के आर्टिकल 226 227 के अंतर्गत या संविधान के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत हाईकोर्ट अपने निर्णय को लागू कराती है और नागरिक अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य करती है जैसा कि मैंने आपको बताया भारतीय संविधान की आर्टिकल टू ट्वेंटी के अंतर्गत अब ये चूँकि हाईकोर्ट के स्थापना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके ट्रांसफ़र उनके अलाउंसेस वेतन सैलरी यह हाई कोर्ट के अंतर्गत समय समय पर उनके वेतन भत्तों में रिवाइज़ उनके वेतन भत्तों में वृद्धि होती रहती है तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके स्थानांतरण के विषय में आप सभी केंद्रीय कार्यपाल केंद्रीय न्यायपालिका के विषय में कोलोजियम सिस्टम क्या है और कोर्ट हाँ के जजेस की नियुक्ति और ट्रांसफ़र कैसे की जाती है मैं सीधे हाई कोर्ट के द्वारा नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए क्या क्या हाई कोर्ट किस किस संवैधानिक प्रावधान के तहत कार्य करता है तो मैंने आपको स्लाइड के माध्यम से बताने का प्रयास किया है आप देखें स्क्रीन पर देखें कि राज्य के उच्च न्यायालय एवं उसकी शक्तियाँ जिसके अंतर्गत मैंने अभिलेखी अधिकारिता आर्टिकल 215 के अंतर्गत कि हाई कोर्ट जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है अभिलेखी अधिकारता मतलब बोलते हैं या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इसको बोलते हैं और जैसा कि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है वह आर्टिकल वन ट्वेंटी के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण करने की जो अधिकारिता हाई कोर्ट की है 227 में दिया गया है और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट या अन्य किसी भी विधिक अधिकार को लागू करने के लिए कोई भी आदेश या रिट जारी कर सकता है ये यह मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है रिट संबंधी जो हाईकोर्ट की अधिकारिता है इसको हिंदी में भी ऐसे ही रिट ही लिखते हैं तो रिट संबंधी हाईकोर्ट की आधिकारिता आर्टिकल टू, 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 टू में दिया गया है अब आपने देखा होगा कि मैंने लिखा है भारतीय संविधान के आर्टिकल टू, 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 टू के अंतर्गत कोर्ट को जो पावर मिली है सबसे लास्ट में जो मैंने लिखा है कि वो फंडामेंटल राइट और किसी अन्य विधिक अधिकार को लागू करने के लिए उच्च न्यायालय कोई भी आदेश या निर्देश दे सकता है तो आप ये समझ सकते हैं कि हाई कोर्ट को जो रीट संबंधी पावर दी गई है वह सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा प्रतीत होता है ऐसा सामान्यतः संवैधानिक विधि के अंतर्गत हाई कोर्ट के अपने पावर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर एक्सरसाइज तो नहीं कर सकता लेकिन एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर एक्सरसाइज करता है और वह स्थिति है रिट के मामलों में जैसा कि मैंने आपको बताया संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही कोई व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है बिना किसी अधीनस्थ न्यायालय में गए आर्टिकल बत्तीस एक भारत के प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार प्रदान करती है कि यदि उसके अधिकारों का मौलिक अधिकारों का फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हुआ है संविधान के भाग तीन द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकारों का यदि उल्लंघन हुआ है तो ऐसा व्यथित पक्षकार अपने उस मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में वाद दायर कर सकता है आर्टिकल बत्तीस एक के अंतर्गत परंतु संविधान के आर्टिकल 226 में यह प्रावधान किया गया है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य का उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए या अन्य किसी विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट आदेश निर्देश या रिट जो बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण के नाम से होंगी जारी कर सकेगा अर्थात आर्टिकल 226 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट के साथ ही साथ हाईकोर्ट अन्य किसी भी विधिक अधिकार को लागू करने के लिए कोई भी आदेश निर्देश या रिट याचिका जारी कर सकता है तो आपने देखा कि आर्टिकल बत्तीस और हम जो ट्वेंटी टू ट्वेंटी सिक्स का अगर तुलनात्मक कर अध्ययन करें तो पाते हैं कि आर्टिकल थर्टी टू में केवल फंडामेंटल राइट वायलेशन में कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है जबकि आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स के अंतर्गत हाईकोर्ट में कोई भी व्यक्ति फंडामेंटल राइट के वायलेशन के साथ ही साथ यदि किसी लीगल राइट right का वायलेशन होता है तो भी कोई व्यक्ति हाईकोर्ट में सीधे जा सकता है तो यहाँ पर हाई कोर्ट की जो रिट संबंधी जुडिशन है या हाई कोर्ट के जो पावर हैं पर्टिकुलरली विथ रिगार्ड टू तो फंडामेंटल राइट्स एंड अदर लीगल राइट्स तो वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा हैं ऐसा मैंने इसलिए बताने का प्रयास किया जैसे कोई कोई लॉ है उस लॉ के द्वारा किसी राइट को रिकग्नाइज किया गया है उसको हम लीगल राइट विधिक अधिकार बोलते हैं यदि किसी विधि के संसद के द्वारा बनाई गई किसी संविधि स्टैच्यूट के द्वारा किसी व्यक्ति को विधिक अधिकार प्रदान किया गया है और उस विधिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है उसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील के रूप में उच्चतम न्यायालय जाएगा सीधे मौलिक सीधे सुप्रीम कोर्ट में वह दायर नहीं कर सकता है वह अपील के माध्यम से ही सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है जबकि संसद के द्वारा बनाई गई समिति विधि के द्वारा प्रत्याभूत अधिकार विधिक अधिकार के उल्लंघन की दशा में कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में सीधे जा सकता है यह आर्टिकल 226 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है तो यहाँ पर हाई कोर्ट की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा हो जा रही है क्यों क्योंकि लीगल राइट के वायलेशन में भी कोई व्यक्ति सीधे हाईकोर्ट जा सकता है उदाहरण के तौर तो पर इसको समझें तो जैसे आ, मैंने आपको एक बताया होगा कि मतदान का अधिकार है संवैधानिक अधिकार है और उसके लिए जनप्रतिनिधित्व कानून बना है पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसके अंतर्गत यह व्यक्ति यह स्टैचुट्री राइट है मतदान करने का अधिकार और संविधान के आर्टिकल तीन के अंतर्गत संवैधानिक अधिकार है यदि किसी व्यक्ति को मतदान के अधिकार से वंचित किया जाता है तो वह व्यक्ति सीधे हाईकोर्ट जा सकता है आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स में वह उपचार के लिए हाई कोर्ट जा सकता है परंतु लीगल राइट होने के नाते व्यक्ति वह सुप्रीम कोर्ट सीधे नहीं जा सकता उच्चतम न्यायालय में वाद दायर नहीं कर सकता है ठीक उसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि लीगल राइट और फंडामेंटल राइट दोनों को परिवर्तित करने के लिए हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंतर्गत कोई भी अप्रोप्रिएट आदेश निर्देश प्राधिकारी को अथॉरिटी को जारी कर सकती है तो अब आते हैं एक एक करके कि हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्यों कहा जाता है अभिलेखी न्यायालय क्यों कहा जाता है जैसा कि आपको मैंने बताया संविधान की आर्टिकल दो के अनुसार प्रत्येक राज्य का उच्च न्यायालय अभिलेखी न्यायालय के रूप में काम करेगा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है अभिलेखी न्यायालय से तात्पर्य यहाँ पे कि उस न्यायालय की समस्त कार्रवाइयाँ अभिलेखित होंगी लेखबद्ध की जाएंगी और वह न्यायालय अपनी अवमानना के लिए दंड देने की पावर रखेगा कंटेम्प्ट कोर्ट के पास दो पावर होनी चाहिए किसी भी न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अभिलेखी न्यायालय होने के लिए दो तत्वों का होना आवश्यक है आप इसको हमेशा ध्यान में रखें क्या ये हमेशा प्रारंभिक परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिलेखी न्यायालय के लिए दो न्यूनतम आवश्यकताएं है क्या हैं तो पहला ये हो गया कि ऐसा ऐसे न्यायालय की समस्त कार्रवाइयां निर्णय लेखबद्ध होने चाहिए और अथवा नहीं और ऐसे न्यायालय की ऐसे न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होनी चाहिए यदि दो तत्व किसी भी न्यायालय में मौजूद हैं तो हम कहेंगे वह न्यायालय कंटे वह न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है अभिलेखी न्यायालय है जैसा कि आप जानते होंगे संविधान की आर्टिकल एक के अंतर्गत वन के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट को भी अभी अभिलेखी न्यायालय कहा जाता है तो संविधान के अंतर्गत दो कोर्ट हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो अभिलेखी न्यायालय के रूप में कार्य करते हैं उन इन न्यायालयों को अपने अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है अगर हम जिला न्यायालय की बात करें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो आप सभी जानते होंगे कि जिला न्यायालय अभिलेखी तो थे उसके निर्णय को लेखबद्ध किया जाता है परंतु जिले न्यायालय की अवमाना देने की शक्ति नहीं है अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला न्यायालय के निर्णय की अवमानना की जाती है तो ऐसी स्थिति में वह हाईकोर्ट ही संबंधित राज्य का हाईकोर्ट ही न्यायालय अवमानना के लिए कार्रवाई करता है जैसा कि आप जानते होंगे जो एक केस गर, नाडियाड केस के नाम से प्रसिद्ध है वह हाँ, दिल्ली तीस हजारी कोर्ट में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के साथ ऐसी घटना घटित हुई जिसमें कि हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा अगर किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के साथ कोई दुर्व्यवहार किया जाता है तो वह हाईकोर्ट के पास पावर है कि वो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है तो जिला न्यायालय जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जिले जी, स्तर तक के जो न्यायालय होते हैं उनको अपनी अवमानना के लिए दंड देने की पावर जो है वह नहीं होती क्योंकि वह न्यायालय अवमान व कंटेम्प्ट कोर्ट नहीं कह जाते वह कंटेंप्ट के लिए वह सभी जब भी कोर्ट को मैटर रिफर किया जाएगा तो एक बात क्लियर होनी है कि हाई कोर्ट संविधान के आर्टिकल 215 के अंतर्गत अभिलेखीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है और उच्चतम न्यायालय संविधान के आर्टिकल 129 के अंतर्गत अभिलेखीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है और अभिलेखीय न्यायालय के लिए दो तत्वों का होना आवश्यक है यदि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय के अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति न हो तो इस, इस ऐसे न्यायालयों के निर्णय का भी अवहेलना लोग करने लगेंगे इसलिए प्रत्येक लोकतांत्रिक देशों में उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट को यह संविधान के देश की सर्वोच्च विधि के द्वारा अधिकार दिया गया शक्ति प्रदान की गई कि ऐसे न्यायालयों के निर्णय को लागू कराने के लिए जब तक इन न्यायालयों को अवमानना अपनी अवमान न्यायालय के निर्णय के अवमानना के लिए दंड देने की पावर हम इसको सुसज्जित नहीं करेंगे तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णय को लोग अवहेलना भी कर सकते हैं इसलिए अवमानना की स्थिति में अगर दंड देने की शक्ति होगी तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णय की अवमानना करने की व्यक्ति में या व्यक्तियों में साहस नहीं होगा इसलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय को लागू कराने के लिए भी शक्ति प्रदान की गई पावर दी गई है कि अगर उसके निर्णय की अवहेलना की जा रही है अवमानना की जा रही है तो उसको पनिशमेंट देने की दंड देने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए इसीलिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के निर्णय की अवमानना की स्थिति में हाईकोर्ट स्वयं पनिशमेंट दे सकता है एक प्रकार का अलग वो अपराध है कि उच्च न्यायालय के निर्णय की अवहेलना करना या उच्चतम न्यायालय के निर्णय के दिशा निर्देशों की अवहेलना करना यह न्यायिक अवमानना माना जाता है और एक प्रकार का अपराध है उसमें हाई कोर्ट एक्शन ले सकता है सुप्रीम कोर्ट एक्शन कार्रवाई ले करते हुए दंडित कर सकता है तो यह बात हो गई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अभिलेखी न्यायालय के लिए अब आते हैं हाईकोर्ट प्रत्येक राज्य के हाईकोर्ट को अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर सुपरवाइजरी पावर दी गई है अधीक्षण करने की सुपरवाइज सुपरविजन करने की पावर दी गई आर्टिकल 227 के अंतर्गत अर्थात किसी भी अधीनस्थ ऐसे किसी भी राज्य के अधीनस्थ न्यायालय जो हाईकोर्ट के अधीनस्थ हैं उन सभी अधीनस्थ न्यायालयों में कैसे आदेश पारित किए जा रहे हैं कैसे सुनवाई की जा रही है फेयर ट्रायल हो रहा है या स्पीडी ट्रायल हो रहा है नहीं हो रहा है शीघ्रतर न्याय सुनिश्चित की जा रही है कि नहीं की जा रही है अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य किया जा रहा नहीं किया जा, जा रहा है यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य के हाईकोर्ट को अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण करने की सुपरविजन करने की पावर संविधान के आर्टिकल टू में दी गई है तो यह आर्टिकल 227 क्यों दिया गया जब आर्टिकल 226 ऑलरेडी मौजूद है तो इसका लॉजिक केवल और केवल यही है कि संविधान के आर्टिकल 226 उच्च न्यायालय को यह पावर देने का केवल और केवल मतलब यह था कि हाईकोर्ट को यदि पावर दे दिया जाएगा तो हाईकोर्ट अपने अधीनस्थ सभी जिला न्यायालयों पर एक निगरानी रख पाएगा कि अधीनस्थ न्यायालयों में जो कार्य प्रणाली है जो कार्य पद्धति है वह कार्यप्रणाली कैसी है सुचारू रूप से है फेयर है या नहीं है निष्पक्ष है या नहीं है यह सुनिश्चित करने के लिए अधीनस्थ न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालयों पर पुनरीक्षण की पावर हाई कोर्ट को दी गई है तो ये आर्टिकल 227 में है मैंने जैसा कि आपको अब आते हैं सबसे जो महत्वपूर्ण प्रावधान है राज्य की न्यायपालिका के अंतर्गत वह आर्टिकल 226 का है 226 के अंतर्गत कोर्ट को व्यापक पावर दिए गए हैं एक तो रिट पाँच रिटों को परिवर्तित करने का पावर कोर्ट को दे दिया गया है और हाई कोर्ट को यह भी पावर दिया गया है कि वो किसी भी स्थिति में जो लीगल राइट हैं उस लीगल राइट को भी एनफोर्स कराने के लिए हाई कोर्ट कोई भी अप्रोप्रिएट कदम ले सकता है तो आर्टिकल 226 के अंतर्गत संवैधानिक प्रावधानों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य का उच्च न्यायालय विधिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए और मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित लागू कराने के लिए कोई भी उचित कदम उठा सकता है तो ये कोर्ट का जो व्यापक जुडिक्शन कोर्ट के पास जो वाइड डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है व्यापक विवेकी शक्ति प्रदान की गई है कि वो अपने विवेक का प्रयोग करते हो और विवेक का मतलब जुडिशियस विवेक है जुडिशियल डिस्क्रिशन है न्यायिक विवेक से है कि न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए वह कोई भी आदेश या निर्देश डायरेक्शन या रिट जारी कर सकता है उसका विस्तार साधन अपने इस स्लाइड के माध्यम से करेंगे तो मैंने इस स्लाइड के माध्यम से देखें आप इस स्क्रीन पर एक बताने का प्रयास किया है और वह थोड़ा सा मिस प्रिंट उसको हम देखें रिट ज्यूडिक्शन है रिट जुरुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इसको मैंने इस इंग्लिश में लिखा है रिट चूंकि जो ये रिट शब्दावली है ये मैं हिंदी भाषी छात्रों की बसवस्थिति को ध्यान में रखते हुए मैंने कि उन हिंदी भाषी भास छात्रों के प्रायः मैंने मेरा शिक्षक के रूप में एक अनुभव रहा है कि प्रायः उनकी शिकायत होती है कि हिंदी माध्यम में बहुत अच्छे कंटेंट नहीं है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उनको ध्यान में रखते हुए मैंने प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये स्लाइड बनाने का प्रयास किया है तो कहीं कहीं पर वह अंग्रेजी उनको इंग्लिश वह थोड़ा सा सीखना भी पड़ेगा रिट वैसे भी अंग्रेजी शब्द है इसको जब हम हिंदी में लिखते हैं तो इसी तरह से रिट ही लिखते हैं रिट जो पेरेगेटिव पावर्स दिए गए हैं मैं इसको इतिहास हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता कि पेरीगेटिव जो शब्द है वह ब्रिटेन के क्राउन के द्वारा कैसे यूज किया जाता था इसकी कैसे परंतु यहाँ पे समझें कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को एक विशेष प्रकार का आदेश जारी करने का पावर दिया गया है उस विशेष पावर के अंतर्गत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपने पांच प्रकार के विशेष स्पेशल जो स्पेसिफिक डायरेक्शन है विशिष्ट आदेश हैं उस स्पेसिफिक डायरेक्शन को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्राधिकारी के विरुद्ध जारी कर सकते हैं उनके ग्राउंड डिफरेंट ग्राउंड हैं पांच जो स्पेसिफिक आर्डर हैं और पांच स्पेसिफिक नॉमनिक्लेचर यूज किए गए हैं उस नॉमनिक्लेचर जो पांच स्पेसिफिक नॉमनिक्लेचर हैं वह आप इसको देखें स्क्रीन पर संविधान के आर्टिकल टू के अंतर्गत जो उच्च न्यायालय की रिट क्षेत्राधिकारिता है उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया पहला जो रिट है वह है हैवियस कार्पस उसको हैबियस कार्पस हिंदी में है बंदी प्रत्यक्षीकरण दूसरा है परमादेश मैंडमश और तीसरा है अधिकार परीक्षा कोवारंटो प्रतिषेध है प्रोहिबिशन जिसको बोलते हैं प्रोहिबिशन दिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ ऑर्डर गिवन बाय कोर्ट प्रतिसिद्ध करना प्रोहिबिट करना प्रतिषेध जिसको हम बोलते हैं प्रोहिबिशन आदेश और पांचवा है सरसोरारी उत्प्रेषण ये पांच प्रकार के विशिष्ट आदेश उच्च न्यायालय आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स के अंतर्गत विशिष्ट प्रकार के मामलों में व्यक्ति को या व्यक्तियों को व्यक्तियों के समूह को राहत उपचार उपलब्ध कराने के लिए देता है अब ये पांच जो रिटे हैं पांच रिटों का स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट विशिष्ट उद्देश्य के लिए ये पांच रिटे जारी की जाती हैं ऐसा नहीं है कि हर मामलों में पांचों जारी किए जाएँगे ये पांच जो रिटे हैं पांच स्पेसिफिक आदेश हैं ये बीस पाँच विभिन्न विशिष्ट उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए हाई कोर्ट आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स के अंतर्गत और उच्चतम न्यायालय आर्टिकल थर्टी टू के अंतर्गत जारी करता है चूंकि मैं हाई कोर्ट के पावर की बात कर रहा हूं तो साथ ही साथ मैं सुप्रीम कोर्ट के संबंधित जो रेलिवेंट प्रोविज़न है उसको भी मैं रेफर कर दे रहा हूँ जिससे कि छात्र जब हाई कोर्ट की बात आए तो सुप्रीम कोर्ट के विषय में भी उनके माइंड में बातें रहे कि इसी से संबंधित प्रावधान सुप्रीम कोर्ट में किस संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है तो ये पढ़ने का सबसे जो बेस्ट तरीका ये है कि जब हम हाई कोर्ट की बात करें तो आप साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट को भी साथ में देखते रहें उससे ये होगा कि तुलनात्मक आपको जो कंपेटिव जो चार्ट होगा वह कंपेरिजन करने में आसानी होगी कि हाई कोर्ट कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे ज़्यादा कहाँ पे कम है तो इसलिए मैं जब हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ तो सुप्रीम कोर्ट और जब मैं सुप्रीम कोर्ट पढ़ा रहा था अपने व्याख्यान में तो मैं उसी समय हाई कोर्ट में बोल दे रहा था कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को ये शक्ति प्राप्त है तो वहीं पर आर्ट संविधान के ही देश की सर्वोच्च विधि संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को भी इसी के समान उच्चतम न्यायालय के समान शक्तियों से सुसज्जित किया गया है तो बातें क्लियर हो गई कि हमको एक ही स्थान पर एक ही व्याख्यान में दोनों संस्थाओं के विषय में दोनों न्यायपालिका के विषय में हमको पूरी विस्तृत जानकारी मिल गई है तो ये पाँच जो रिटें हैं ये पाँच रिटें न केवल हाईकोर्ट आर्टिकल टू सिक्स के अंतर्गत जारी करता है बल्कि उच्चतम न्यायालय भी आर्टिकल थर्टी टू के अंतर्गत जारी करता है तो मैंने ये बताने का प्रयास किया कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल बत्तीस के अंतर्गत और हाई कोर्ट आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स के अंतर्गत इनमें से कोई भी पांचों में से कोई भी एक रिट आदेश जारी कर सकता है तो आपको जैसा कि मैंने बताया जो रिट है रिट भी न्यायालय के द्वारा जारी किया गया एक प्रकार का आदेश है किस न्यायालय के द्वारा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया एक आदेश होता है जो किसी विशिष्ट मामलों में और विशिष्ट आधारों पर ही जारी किया जाता है अब उसको समझेंगे कि जो पांच रिटें हैं वह कुछ किस विशिष्ट आधार पर और किस किस विशिष्ट उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के लिए जारी किया जाता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया पहला है आर्टिकल टू, 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 टू के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका अब बंदी प्रतिक्षिक याचिका क्या है इसको देखने का प्रयास करेंगे कि ये बंदी अब स्क्रीन पर आप देखें आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स मैंने लिखा है और हैबियस कार्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दो महत्वपूर्ण केस है इस पे एक मैंने लिखा है कानू शान्याल कानू शान्याल वर्सेज डीएम दा जिलाधिकारी दार्जिलिंग ए आई आर नाइनटीन सेवेंटी सुप्रीम कोर्ट और दूसरा बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण केस है सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन ए आई आर सुप्रीम कोर्ट अब ये दो महत्वपूर्ण केस हैं वैसे हाईबियस कार्पस से संबंधित बहुत सारे मामले सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आए हैं लेकिन ये केस कुछ विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण है मैं इसको बताने का प्रयास करूंगा कालू सान्याल बनाम डीएम दार्जिलिंग के मामले में क्या घटना घटित हुई कालू शान्याल एक नेता था एक नक्सल नेता था नक्सलवादियों का एक लीडर था इसे इस आधार पर गिरफ्तार किया गया अरेस्ट किया गया कि यह शासन विरोधी राज्य विरोधी गतिविधियों में लिप्त है और इस आधार पर कालू शान्याल को अरेस्ट कर लिया गया गिरफ्तार कर लिया गया इसकी तरफ से गिरफ्तार व्यक्ति की तरफ से अधिवक्ता के समक्ष अधिवक्ता के द्वारा न्यायालय के समक्ष जिस आवेदन को एप्लीकेशन को दायर किया गया उस एप्लीकेशन क्या उस आवेदन को न्यायालय स्वीकार करते हुए और संबंधित जिलाधिकारी डी एम दार्जिलिंग को यह निर्देशित किया कि आन्वाड ग्राउंड कालू श्यान्याल हैज़ बिन अरेस्टेड किस ग्राउंड पर उनको गिरफ्तार किया गया है यह न्यायालय के समक्ष उसको सशरीर प्रस्तुत करें जैसा कि आप सभी को मालूम है हैवियस कार्पस का लिटरल मीनिंग जो है शाब्दिक करते हैं कि टू टू प्रोड्यूस बॉडीली हैबियस कार्पस कार्पस मीन्स होता है शरीर फिजिकल एग्जिस्टेंस एन एंटिटी विच हैज़ फिजिकल एग्जिस्टेंस कार्पस होना चाहिए और हैबियस स शरीर उसको प्रोड्यूस करें तो हैबियस कार्पस का शा शाब्दिक अर्थ है टू प्रोड्यूस बॉडीली बिफोर द कोर्ट न्यायालय के समक्ष स शरीर व्यक्ति को प्रस्तुत करना इसलिए जब किसी भी व्यक्ति को जब किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्राधिकारी के द्वारा पुलिस के द्वारा सी बी के द्वारा यदि गिरफ्तार किया जाता है और ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को प्रतीत होता है कि उसकी गिरफ्तारी अवैध है इलीगल है तो वह अपनी गिरफ्तारी की वैधानिकता को चुनौती दे सकता है कहाँ पर हाईकोर्ट की आर्टिकल टू में सीधे हाईकोर्ट जा सकता है या सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है मैंने जबकि आपको बताया कि व्यक्ति का अरेस्ट होना गिरफ्तार कर लिया गया है तो ऐसे व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो गया है और मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में वह व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल बत्तीस के अंतर्गत जा सकता है और आर्टिकल टू के अंतर्गत हाई कोर्ट जा सकता है परंतु आपको दूसरी तरफ यह भी ध्यान रखना है कि प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकार प्राप्त नहीं है जिसने हत्या है हत्यारा अगर है मर्डर किया है डेलीबरेट मर्डर किया है डेलीबरेट किलिंग है सारे साक्ष्य उसके अगेंस्ट हैं कि वह जानबूझ करके हत्या किया है अब उसको अरेस्ट नहीं होगा तो यदि वह अरेस्ट होता है और वह व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी की वैधानिकता के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आता है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ऐसे व्यक्ति की कोई भी मदद हैबियस कार्पस के रूप में नहीं कर सकती है क्यों क्योंकि एक न्याय का नियम है कि जो व्यक्ति न्याय के समक्ष आता है न्याय लेने के लिए आता है दैट पर्सन मस्ट कम विथ क्लीन हैंड जो व्यक्ति न्याय न्यायालय के समक्ष न्याय के लिए आता है उसके हाथ स्वच्छ होने चाहिए निर्मल होने चाहिए जिस व्यक्ति का हाथ रक्तरंजित है जिस व्यक्ति के हाथ लहूलंजित हैं रहू लहू से सने सने हुए रक्त है, रक्तरंजित हैं वह व्यक्ति यदि न्यायालय से न्याय की अपेक्षा करे तो न्यायालय उसकी कोई मदद नहीं कर सकता है इसलिए न्यायालय उसी की मदद करता है जो व्यक्ति कानून के समक्ष निर्मल हाथों से स्वच्छ हाथों से आता है तो ये बात ये बहुत ही पुराना बहुत ही एंसियट प्रारंभिक बहुत अनादिकाल से एक नियम चला रहा है जिसको वर्तमान में भी लागू किया जाता है कि यह निर्दोष जो व्यक्ति अपने आप को इनोसेंट समझता है और निर्दोष व्यक्ति को अगर अथॉरिटी अरेस्ट करती गिरफ्तार करती है तो ऐसा निर्दोष व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी की वैधता को सीधे हाई कोर्ट या सीधे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 या 226 के अंतर्गत जा सकता है तो ये जो प्रोटेक्शन दिए गए हैं वह निर्दोष व्यक्तियों को हैं हत्यारे हाँ को नहीं अपराधियों हाँ को नहीं ये भली भात आप सभी को ज्ञात होगा उसे कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि अगर ये अधिकार प्राप्त है तो सभी गिरफ्तार व्यक्ति हत्यारा भी मर्डर जो किया है वो भी आ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सीधे जा सकता है और वहाँ से छूट के आ सकता है उसके छूटने की प्रक्रिया अलग है और ऐसी केस में हैबियस कार्पस का मिलना बहुत ही नामुमकिन है बहुत कम मामलों में हैबियस कार्पस की सुनवाई होती है प्रथम दृष्टया उसका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाता है न्यायालय के द्वारा या तो अभियुक्त जाता ही नहीं है और अभियुक्त यदि चला भी आया कोर्ट में तो उसका अप्लीकेशन प्रथम दृष्टया रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि इसके जो साक्ष्य हैं जो आ, सरकारी पक्ष की तरफ से न्यायालय में साज प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि ये साज अगर इसको छोड़ा जाएगा तो इस ऐसे ही अपराध की पुनरावृत्ति कर सकता है या पुनः गवाहों को धमका सकता है मार सकता है तो ऐसी स्थिति में उसको उसकी हैबियस कार्पस की आवेदन ही खारिज कर दी जाएगी इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है तो मैं बता रहा था कि कानून सान्याल बनाम डी दार्जिलिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णित किया गया कि जहाँ पर किसी भी जिलाधिकारी के द्वारा निरोध करने के आदेश को निरोध करने के आदेश दिए गए हैं वह अगर युक्तयुक्त नहीं है अगर रिजनेबल नहीं है तो उसकी उसे रिव्यू किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट उसकी उस गिरफ्तारी को अवैध ठहरा सकती है और दूसरी बात कि अवैध गिरफ्तारी के विरुद्ध जो संविधान में सबसे प्रभावी उपचार उपलब्ध है उसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कार्पस ये सभी को याद रखना चाहिए कि जब किसी भी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है डिटेन किया जाता है तो अपने उस डिटेंशन के अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन के अगेंस्ट वह कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जिस उपचार के लिए आता है या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो उपचार उसमें उपलब्ध कराएगी उस रेमेडी का नाम है हैबियस कार्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण और ये पहला केस है दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट केस है मैंने आप इस, इसको स्क्रीन पर देखें लिखा है मैंने सुनील बत्रा वर्सेज डेली एडमिनिस्ट्रेशन अब इस मामले में उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णित किया गया कि बंदी प्रतिक्षिकरण याचिका किसी निर्दोष व्यक्ति के ही विरुद्ध प्रभावी उपचार नहीं है निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध तो यह उपचार है ही है प्रभावी उपचार है इफेक्टिव रेमेडी है साथ ही साथ यह उन व्यक्तियों के व्यक्तियों के लिए भी प्रभावी उपचार है जिसको जेल में डिटेन किया गया जेल में रखा गया है और उनके प्रति अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है अगर उनके प्रति अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है टॉर्चर किया जा रहा है जेल में रख कर के यातना पहुंचाई जा रही है जेल में रख कर के तो ऐसा जेल में निरुद्ध व्यक्ति बंदी अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सीधे वाद दायर कर सकता है कि जेल अधिकारियों के द्वारा जेल के भीतर उसके प्रति अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है उसके प्रति हिंसा की जा रही है तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंतर्गत जेल प्राधिकारी से यह पूछ सकती है कि आप उस बंदी को डिटेन पर्सन को न्यायालय के समक्ष सशरीर प्रस्तुत करें और न्यायालय देखना चाहती है कि उसके ऊपर किस प्रकार की यातना किस प्रकार की हिंसा हुई है और यदि मेडिकल रिपोर्ट में यह साबित हो गया कि उसके शरीर के अंदरूनी भाग पर चोट हुई है उसके शरीर को चोट हिंसा पहुँचाई की पहुँचाई गई है तो संबंधित जेल प्राधिकारियों के विरुद्ध न केवल आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है बल्कि उस जेल में निरुद्ध व्यक्ति को भी उन जेल के अधिकारियों से कंपनसेशन हर जाना क्षतिपूर्ति प्रतिकर प्राप्त करने का इत्यादि नामों से कंपनसेशन प्राप्त करने का अधिकार भी मिल जाता है तो मैंने आपको बताया कि यदि जेल प्राधिकारी अब सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में कैसे इस हैबियस कार्पस के एप्लीकेशन को बढ़ा दिया कि हैबियस कार्पस का मतलब केवल इलीगल अरेस्ट के अगेंस्ट ही नहीं यह उपचार है यह उपचार तभी उपलब्ध होगा जब जेल में निरुद्ध व्यक्ति के विरुद्ध भी अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है डिटेन तो होना चाहिए चाहे वो पुलिस डिटेन कर रही है अरेस्ट कर रही है तो भी या जेल में रखा गया वहाँ पर भी और डिटेन है अगर वह और डिटेंशन में है उसके प्रति अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है ऐसी स्थिति में भी उच्चतम न्यायालय आर्टिकल बत्तीस के अंतर्गत और हाईकोर्ट आर्टिकल टू के अंतर्गत उस व्यक्ति को बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका जारी करते हुए जेल प्राधिकारी को यह कह सकता है कि बंदी को न्यायालय में सस्री प्रस्तुत करें और जिससे न्यायालय देख सके कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके प्रति जो जो वह आरोप लगा रहा है कि उसके प्रति हिंसा हुई है उसकी न्यायालय जांच कर सके जैसा कि आप जानते हैं सुनील बत्रा वर्ष दिल्ली प्रशासन ए आई आर का जो केस है यह केस उसी प्रकार इम्पॉर्टेंट है जैसे मेनका गांधी बनाम भारत संघ ए आई का केस है उन्नीस का केस है और सुनील बत्रा केस जो है जेल के भीतर मानवीय व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण का जो सबसे उज्ज्वलंत मामला है सबसे इंपॉर्टेंट केस है मैंने आपको यह बताया था कि सुनील बत्रा की केस संविधान के अंतर्गत और अन्य कि किसी दंड विधि के अंतर्गत सीआरपीसी के अंतर्गत मानवाधिकार ह्यूमन राइट के अंतर्गत यह इंपॉर्टेंट केस है वास्तव में इस, इस केस में क्या घटना घटित हुई कि सुनील बत्रा जो कि तिहार जेल में बंद था उसको उसने देखा कि उसके जो सहयोगी अन्य जो जेल में निरुद्ध कैदी थे उनके प्रति अमानवीय व्यवहार जेल अधिकारियों के द्वारा अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था और उन अपने सहयोगियों के प्रति हो रहे अनमानवीय व्यवहार को उसने पोस्टकार्ड के माध्यम से पत्र के माध्यम से उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखता है सुप्रीम माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा उसके पत्र को ही लेटर पिटिसन मानते हुए उसके द्वारा लिखे गए पत्र को ही याचिका मानते हुए और उस पर इंक्वायरी की और जब जांच में पाया गया कि सही घटना है या तिहाड़ जेल में बंद हुए कैदियों के प्रति अमानवीय व्यवहार किया गया है सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में तत्कालीन संबंधित जेल तिहाड़ जेल अधीक्षक को नोटिस देते हुए उनसे कारण बताओ नोटिस देते हुए उन्हें न्यायालय में तलब किया हाजिर किया सम्मन किया कि वो न्यायालय में उपस्थित हों और ये बताएं कि ऐसे कैदियों के प्रति या मानवीय व्यवहार क्यों किया जा रहा है तो उनको सुनील बत्रा ने यह लिखा था कि उसके बगल में ही जो जेल में बंद कैदी हैं उनको बार फीटर पर रखा गया है उनको उनको हाथ में हथकड़िया और पेड़ पैर में बेड़ियाँ बांधी गई हैं जिसमें वह चलने में असमर्थ हैं जबकि उनके द्वारा किए गए अपराध बहुत ही उतने बड़े अपराध नहीं हैं कि वह भागने की संभावना हो तो सुप्रीम कोर्ट ने जब उस आरोप की जांच कराई तो आरोप सही पाए गए ऐसे कैदी थे जिनके हाथ और पैर में बेड़ियों से जकड़ा हुआ था एकांत कारावास में रखा गया था और जो कि एकांत कारावास के लिए मैक्सिमम अवधि है कि पूरे जो है उसको पनिशमेंट में पूरे जीवन काल में तीन महीने केवल एकांत कारावास में रखा अकेले रखा जा सकता है जेल में उसका भी उल्लंघन किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इस मामले में निर्णय किया कि यह अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध जो संरक्षण है यह संविधान के आर्टिकल इक्कीस के अंतर्गत अभिन्न भाग है और ऐसी स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका जारी की जा सकेगी जहां पे किसी भी जेल में निरुद्ध व्यक्ति के विरुद्ध अमानवीय व्यवहार हो रहा है तो दो बातें क्लियर हो गई कि आर्टिकल 226 के अंतर्गत न केवल यह अवैध गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है हाइबीएस कार्पस बल्कि हाइबीएस कार्पस रिट याचिका उन मामलों में भी जारी की जा सकती है जब जेल में निरुद्ध किसी कैदी के प्रति अमानवीय व्यवहार या हिंसा होती है अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर जिसमें मैंने आपको देखिए लिखा है आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स के अंतर्गत एक परमादेश है यह भी एक प्रकार का न्यायालय का आदेश है परमादेश परम आदेश अगर इसको हम देखें विच्छेद करें तो परम आदेश ऐसा आदेश जो परम अर्थात तो वी कमांड इसको अंग्रेजी में इंग्लिश में बोलते हैं मैंडमस का अर्थ होता है वी कमांड शाब्दिक अर्थ है कि यह प्राधिकारी कह सकता है कि वी कमांड हम आदेश देते हैं किस प्रकार का नगर निगम सामानता मैंने स्लाइड के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि परमादेश कहाँ कहाँ जारी किया जा सकता उदाहरण के तौर पर दृष्टांत के तौर पर मैंने बताया है कि परमादेश जारी करने का आधार ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी है अगर विद के द्वारा कोई ड्यूटी इम्पोज की गई है किसी भी प्राधिकारी पर कोई कार्य करने या किसी कार्य को न करने का वह अगर प्राधिकारी कार्य नहीं करता है तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय आर्टिकल टू के अंतर्गत हाईकोर्ट जो रिट याचिका जारी करेगा उस रिट याचिका का नाम है परमादेश इस हाई कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 226 के अंतर्गत उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को यह निर्देशित किया जा सकता है डायरेक्टिव किया जा सकता है कि आपके ऊपर विधि के द्वारा यह कर्तव्य द्रूपित किया गया है इसलिए दिस इस अथॉरिटी इज लीगली बाउंड टू तो डू दिस पर्टिकुलर एक्ट इन अ पर्टिकुलर मैनर यह संबंधित अधिकारी इस कृत्य को एक विशिष्ट प्रकार से करने के लिए बाध्य है क्योंकि कानून में उस प्राधिकारी को उस प्रकार के कार्य करने के लिए अपेक्षित किया गया अपेक्षा किया और उस अपेक्षित व्यवहार से विरत होना अलग होना यह ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी माना जाएगा विधिक कर्तव्य का भंग माना जाएगा और ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी की स्थिति में हाईकोर्ट आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स के अंतर्गत परमादेश रिट याचिका जारी कर सकता है जैसा कि मैंने बताया प्रदूषण मुक्त जल उपभोग करने का अधिकार यह व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है और इसको मैं जब आर्टिकल ट्वेंटी वन बता रहा था तो देखें कि आर्टिकल ट्वेंटी वन के अंतर्गत भी हाईबियस कार्पस और परमादेश कैसे कितनी इंपॉर्टेंट केस है तो मैंने संविधान की आर्टिकल ट्वेंटी वन को जब मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता रहा था कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कैसे व्यक्ति के जीवन के अधिकार से प्रदूषण मुक्त जल उपभोग का अधिकार जुड़ा हुआ है कि राइट टू हैव पॉल्यूशन फ्री वाटर प्रत्येक व्यक्ति का यह मौलिक अधिकार है कि वह प्रदूषण मुक्त जल का उपभोग करे क्यों क्योंकि वह नगर निगम को अगर वाटर टैक्स दे रहा है जल कर दे रहा है तो नगर निगम के जवाबदेही है कि उसको पॉल्यूशन फ्री वाटर सुनिश्चित करे ऐसी स्थिति में अगर नगर निगम अवहेलना करती है प्रदूषण पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई करती है तो उस स्थान के नागरिक कोई भी नागरिक या नागरिकों का समूह ग्रुप एक याचिका दायर करेगा हाई कोर्ट के आर्टिकल 226 के अंतर्गत कि उच्च न्यायालय के समक्ष कि हम लोगों के वाटर टैक्स देने के बावजूद भी पिछले एक सप्ताह एक महीने से संबंधित नगर निगम के द्वारा जल आपूर्ति जो की जा रही हो, है वह प्रदूषण युक्त है प्रदूषण रही प्रदूषण पॉल्यूटेड है और ऐसी स्थिति में यदि साबित हो गया तो हाई कोर्ट उच्च न्यायालय जो उपचार उपलब्ध करेगा और नगर निगम को जो आदेश देगा ऑर्डर देगा उस आदेश का जो विशिष्ट नाम है नाम निक्लेचर स्पेसिफिक नामनिक्लेचर है वह है उस आदेश को हम बोलते हैं परमादेश हाई कोर्ट ने उस नगर निगम को डायरेक्ट किया है परमादेशित किया है कि आपने कानूनी रूप से कानून का उल्लंघन किया है क्योंकि आप कानून के अंतर्गत प्रदूषण पॉलूषण फ्री वाटर सप्लाई करने के लिए वचनबद्ध हैं यह आपके ऊपर कानून ने जवाबदेही सौंपी है तो इस प्रकार से केस मैंने आपको बताया था सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के एआईआर 1996 सुप्रीम कोर्ट के केस में उच्चतम न्यायालय के द्वारा वर्ष उन्नीस में सर्वप्रथम सुभाष कुमार केस में निर्णित किया गया कि प्रदूषण मुक्त जल उपभोग करने का अधिकार व्यक्ति का मौलिक अधिकार है तो ये आर्टिकल 226 के अंतर्गत इस रेट याचिका को जारी किया जा सकता है अब आते हैं एक आर्टिकल 226 के अंतर्गत अधिकार परीक्षा है को वारंटो मैंने आप स्लाइड पे देखें मैंने लिखा है उसको इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखने का प्रयास किया है इंग्लिश में मैंने लिखा है को वारंटो को वारंटो वारंट का मतलब होता है वारंट इज जस्ट लाइक ऑर्डर वारंट भी एक प्रकार का ऑर्डर है न्यायालय के द्वारा इसको हिंदी में बोलते हैं अधिकार परीक्षा अब को वारंटो यह आदेश हाईकोर्ट आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स के अंतर्गत कब जारी करेगा मैंने उसको स्लाइड पे नीचे लिखा हुआ ग्राउंड लिखा हुआ है कब जब पब्लिक पोस्ट विवादास्पद हो लोकपद हमने लिखा है जब लोकपद विवादास्पद हो और किसी अयोग्य व्यक्ति के द्वारा लोकपद को धारण किया गया हो ये दूसरी शर्त हो गई और तीसरा है पद अस्थाई हो दैट पब्लिक पोस्ट मस्ट बी परमानेंट एडहॉक नहीं होना चाहिए उदाहरण के तौर पर मैंने सबसे नीचे लिखा हुआ है जो एडवोकेट जनरल है महाधिवक्ता का पद यह प्रदेश में जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वह महाधिवक्ता है एडवोकेट जनरल आर्टिकल 165 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है महाधिवक्ता लोकपद है यदि महाधिवक्ता का जो पद है लोक पद है होने के नाते उस ऑफिस पर वही व्यक्ति पदासीन हो सकता है जिस व्यक्ति को राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसे लोक पद के सरकार के कार्यों के सरकार के रक्षा के लिए सरकार के बचाव में सरकार की तरफ से उसे न्यायालय में खड़ा होना और एडवोकेट जनरल ये संवैधानिक एक अलग है संवैधानिक पद है तो मैंने बताया कि जब लोकपद अगर वह रिट ऑफ को वारंटो जारी करने के लिए क्या क्या ग्राउंड होने चाहिए कि एक तो पब्लिक ऑफिस जो है पब्लिक पोस्ट है वो क्वेश्चन दैट दैट ऑफिस मस्ट बीन क्वेश्चन वह जो पब्लोकपद है वह विवादास्पद होना चाहिए दूसरा वह लोकपद अस्थाई होना चाहिए और तीसरा उस लोकपद पर कोई व्यक्ति अवैध तरीके से कब्जा किया हो अगर तीन तत्व जैसे ही हाई कोर्ट के समक्ष साबित किया जाता है वैसे ही हाईकोर्ट उस लोकपद को कब उस लोकपद को धारण करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध यह आदेश जारी किया जाएगा कि आप इस पद को छोड़ें यू आर नॉट फिट फॉर दिस पोस्ट और उस पद से उसे पदस्थापित करने के लिए हटाने के लिए न्यायालय के द्वारा जो आदेश जारी किया जाएगा उस आदेश का विशिष्ट नाम है स्पेसिफिक ऑर्डर है उसका स्पेसिफिक नामनिक्लेशर है नाम है नाम उसका विशिष्ट नाम परमादेश और उस परमादेश रिट याचिका जारी करते हुए हाई कोर्ट के द्वारा उस व्यक्ति को उस पद से हटा दिया जाएगा तो ये अधिकार परीक्षा है कैसे हाई कोर्ट आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स के अंतर्गत नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए अधिकार परीक्षा को आरंटो रिट यार्ज जारी कर सकती है मैंने आपको बताने का प्रयास किया अब आते हैं देखते हैं रिट ऑफ प्रोहिबिशन एंड उत्प्रेषण दो हाई कोर्ट के दो इसमें और महत्वपूर्ण जो आदेश हैं दो रिट है वह है रिट प्रतिषेध और उत्प्रेषण प्रतिषेध को बोलते हैं रिट ऑफ प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण को बोलते हैं रिट ऑफ सरसोरारी तो प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट कब जारी की जाएगी आप उसको स्लाइड पर देखें मैंने प्रतिषेध को एक साइड में लिखा हुआ है समझाने के लिए जे लिखा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट एस लिखा हुआ है जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिसको बोलते हैं उनके विरुद्ध कैसे जारी किया जाएगा प्रतिषेध रिट दूसरा है मैंने लिखा है उत्प्रेषण रिट ग्राउंड के आधार क्या है नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ हो प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हुआ हो दूसरा अधिकारता का अभाव या अधिकारता के अधिक में या अभाव में प्राधिकारी के द्वारा कोई निर्णय दिया गया हो तो अभी देखते हैं कि संविधान के आर्टिकल टू, -टू, -टू के अंतर्गत उच्च न्यायालय कब प्रतिषेध रिट याचिका जाहिर करेगी कब उत्प्रेषण रिट याचिका जाहिर करेगी तो प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ है प्रतिषिद्ध करना किसी प्राधिकारी को जो वह कार्य करने के लिए विधि द्वारा सक्षम नहीं है यदि वह कार्य करने यदि वह उस आवेदन को एप्लीकेशन को स्वीकार करता है कोई प्राधिकारी जो प्राधिकारी उस आवेदन पर निर्णय लेने के लिए सशक्त नहीं है सक्षम नहीं है विधि के द्वारा तो उस प्राधिकारी को बीच में ही निर्णय सुनाए जाने के पहले ही उसके कार्य को रोकने के लिए हाई कोर्ट आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स के अंतर्गत जो आदेश जारी करेगी उस आदेश का नाम है प्रतिषेध प्रोहिबिशन एक हो गया दूसरा यदि हाई कोर्ट के द्वारा कोई ऐसा निर्णय यदि किसी अधीनस्थ न्यायालय ने या किसी प्राधिकारी ने कोई ऐसा निर्णय लिया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है अर्थात बिना पक्षकार को सुने हुए उसके विषय में निर्णय लेना या नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन माना जाता है जिसे हम आरडी अल्ट्रम पार्टम बोलते हैं पार्टी मस्ट बी हर्ड अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मस्ट बी गिवेन टू द एक्यूज अगर अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना अगर निर्णय लिया जाता है तो यह नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन माना जाता है और ऐसी स्थिति में जो एग्रीड पार्टी है व्यथित पक्षकार है वह हाई कोर्ट के आर्टिकल 226 के अंतर्गत आवेदन दे कर, दे सकता है कि हाई कोर्ट संबंधित प्राधिकारी या अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध आदेश जारी करके उसके द्वारा नैसर्गिक न्याय के उल्लंघन के आधार पर लिए गए निर्णय को अपास्त कर दे शून्य कर दे यदि हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंतर्गत संतुष्ट हो जाता है कि नैसर्गिक न्याय के बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए हुए अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय लिया है तो उस अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को शून्य किया जा सकता है अपास्त किया जा सकता है तो आपने देखा कि प्रतिषेध और उत्पेषण में जो बेसिक अंतर क्या है मौलिक अंतर क्या है कि प्रतिषेध रिट याचिका हाईकोर्ट के द्वारा आर्टिकल 226 के अंतर्गत तब जारी किया जाता है जब कोई अधीनस्थ न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष लंबित कार्रवाई जो है वह प्राधिकारी या अधीनस्थ न्यायालय उस मामले में सुनने के लिए सशक्त न हो विधिक रूप से सक्षम ना हो तो सक्षम अधिकारिता के अभाव में यदि कोई न्यायाधीनस्थ न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष कोई वाद लंबित है तो स्वाभाविक है कि उसमें जो निर्णय आएगा वह गलत आएगा यदि सक्षम अधिकारिता नहीं है कोर्ट इज नॉट कॉम्पिटेंट टू डिसाइड दैट केस तो अगर उसका निर्णय भी जब आएगा तो अभी निर्णय सही नहीं माना जाएगा इसलिए निर्णय आने से पहले ही हाईकोर्ट उसमें हस्तक्षेप कर दे और हस्तक्षेप करते हुए उस प्राधिकारी को उस मामले में सुनवाई से रोक दे कि आप विधिक रूप से आपको विधि के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि इस मामले में आप सुनवाई करें और निर्णय दें तो कभी ऐसी हो सकता है देखें कितना इस दोनों प्रकार के न्यायिक आदेशों का कितना दूरगामी परिणाम हो सकता है और दोनों प्रतिषेध और रेट ऑफ सरसुरारी उत्पेषण रेट का और किस सोच के साथ ये प्रावधान भारतीय संविधान में रखे गए होंगे कि जब कोई भी अधीनस्थ न्यायालय या कोई प्राधिकारी विधि के अंतर्गत जिस विधि के अंतर्गत उसकी स्थापना हुई है अथॉरिटी की या जिस अधीनस्थ न्यायालय को विधि के अंतर्गत निर्णय देना है यदि कानून ने उसको वह कार्य करने का पावर नहीं दे रखा है और उस न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई आवेदन व्यक्ति के द्वारा कर दिया जाता है जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति शिक्षित हो पढ़ा लिखा हो और लॉ ग्रेजुएट हो कानून जानता है यदि उसने सद्भावपूर्वक विश्वास करते हुए कि इसी अधीनस्थ न्यायालय में या इसी प्राधिकारी को ही ये मामला देना है उसने एप्लीकेशन दे दिया आवेदन दे दिया और प्राधिकारी उस मामले में निर्णय भी ले लिया तो स्वाभाविक है जो प्राधिकारी निर्णय लिया है वह गलत निर्णय होगा क्योंकि उसके पास वो पावर ही नहीं था सुनवाई करने का यह जानबूझ करके प्राधिकारी करे या लापरवाही में प्राधिकारी के द्वारा अगर निर्णय ले लिया जाए तो ऐसे निर्णय को ऐसे गलत निर्णय को सुधारने का जो अवसर व्यथित पक्षकार को पीड़ित पक्षकार को एग्रीब को संविधान के आर्टिकल 226 देता है कि वह आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाईकोर्ट में एक आवेदन दायर करे कि माननीय उच्च न्यायालय इस गलत निर्णय को सुधारने के लिए जो आदेश जारी करे और जो हाई कोर्ट आदेश जारी करेगा उसका नाम है उत्प्रेषण रिट रिट ऑफ सरसुरारी उस रिट ऑफ सरसुरारी के द्वारा यह प्रमाणित किया जाएगा कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय असंवैधानिक या अवैध है विधि के विरुद्ध है उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं जैसे उत्तर प्रदेश राज्य में जुडिशियल मजिस्ट्रेट है न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग जो केवल और केवल अधिकतम तीन वर्ष का कारावास दे सकता है यदि उत्तर प्रदेश राज्य में कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग जुडिशियल मजिस्ट्रेट चार वर्ष का किसी मामले में कारावास देता है तो वह विधि के विरुद्ध माना जाएगा इलीगल माना जाएगा क्यों क्योंकि कानून ही उसको पावर देता है मैक्सिमम जो उसको पावर मिली है न्यायिक मजिस्ट्रेट को पनिशमेंट की वह है तीन वर्ष का कारावास देने का अगर वह चार वर्ष का कारावास देता है तो एक वर्ष अधिक हो गया जो चार वर्ष का कारावास है वह अवैध इलीगल माना जाएगा क्यों क्योंकि ला उसको परमिट नहीं करता है चार वर्ष का कारावास देने का वैसे ही यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति पर बीस हजार रुपया जुर्माना लगाता है तो यह जुर्माना जो फाइन फाइन की धनराशि है वह भी इलीगल होगी क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता सी आर पी सी उन्नीस सौ तिहत्तर की धारा ट्वेंटी नाइन उन्तीस के अंतर्गत ट्वेंटी नाइन के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट को किसी भी आपराधिक मामले में अधिकतम दस हजार रुपया जुर्माना लगाने की शक्ति प्रदान की गई है और दस हजार रुपये से ज्यादा जुर्माना लगा रहा है अगर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग तो यह विधि विरुद्ध माना जाएगा और हाई कोर्ट में जिस रिट याचिका के लिए अगर आवेदन किया जाएगा हाई कोर्ट संविधान के आर्टिकल 226 के अंतर्गत जो आदेश जारी करेगी उस गलत आदेश को अधीनस्थ न्यायालय के आ, एरर को दूर करने के लिए त्रुटि को दूर करने के लिए उस आदेश का नाम होगा सैरसोरारी उत्प्रेषण रिट याचिका वैसे ही यदि न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई ऐसा मामला लंबित है जिसमें चार वर्ष के कारावास का प्रावधान है अभी उसमें अंतिम निर्णय नहीं आया है मामला उसके संबंध विचाराधीन है तो ऐसी स्थिति में व्यथित पक्षकार एग्रीड पार्टी उस हाईकोर्ट के आर्टिकल टू के अंतर्गत आवेदन कर सकता है कि चूंकि जो मामला लंबित है इस न्यायालय में यह न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय उसमें अधिकतम तीन साल की सजा दे सकता है इसलिए अभी इस अभी विचाराधीन है इस मामले को यहीं पर हस्तक्षेप करते हुए हाईकोर्ट रोक दे क्योंकि अगर रोकेगा नहीं तो गलत निर्णय भी आ सकता है तो दोनों प्रावधान की अगर न्यायिक कार्रवाई विचाराधीन है अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष या प्राधिकारी के समक्ष कोई ऐसा मामला जो विचाराधीन है उसको सुधारने के लिए हाईकोर्ट आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स के अंतर्गत प्रतिषेध रिट याचिका जारी करके हस्तक्षेप कर सकती है दूसरा यदि किसी अधिकारिता के अभाव में बिना अधिकारिता के किसी न्यायालय के द्वारा कोई त्रुटपूर्ण निर्णय दे दिया गया है तो उस पर त्रुटपूर्ण निर्णय को सुधारने के लिए हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंतर्गत जो रिट याचिका जारी करेगी उसका नाम है उत्प्रेषण रिट याचिका सहरसे और आरी तो मुझे लगता है कि यह दो रिट याचिकाओं के माध्यम से आप प्रतिषेध और उत्प्रेषण को समझ गए होंगे कि प्रतिषेध हमेशा बीच में और उत्प्रेषण हमेशा निर्णय के पश्चात जारी किया जाता है न्यायिक कार्रवाई अगर किसी भी न्यायालय में कार्रवाई विचाराधीन है और वह न्यायालय उस मामले में सुनने के लिए सक्षम नहीं है तो बीच में ही कार्रवाई को रोकने के लिए हाईकोर्ट टू ट्वेंटी सिक्स के अंतर्गत रिट याचिका जारी कर सकता है प्रतिषेध रिट याचिका जारी करेगा प्रोहिबिट टू प्रोहिबिट दैट कोर्ट टू प्रोहिबिट दैट अथॉरिटी नॉट टू प्रोनाउंस एनी ऑर्डर नॉट टू गिव एनी जजमेंट इन दैट केस उसमें प्रोहिबिट करने के लिए प्रोहबिशन प्रतिषेध रिट याचिका जारी की जाती है तो दोनों में बेसिक अंतर यही है प्रतिषेध और रिट या इसमें अब इसके अंतर्गत मैं एक चीज आपको जो आर्टिकल 226 का एक केस बता रहा था देखें जुडिशियल रिव्यू संविधान का आधारभूत ढांचा है मैंने इसको संक्षेप में स्लाइड स्क्रीन पर आप देखें मैंने जे लिखा हुआ है जे का मतलब यहाँ पे मैंने संक्षेप में स्लाइड को देखते हुए लगा है जे का मतलब है जुडिशियल रिव्यू संविधान का आधारभूत ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर है आप सभी जानते हैं बेसिक स्ट्रक्चर है और किस केस में कहा गया मैंने स्लाइड पर लिखा हुआ है एल चंद्र कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया ए या आई या सुप्रीम कोर्ट दूसरे साइड मैंने लिखा हुआ है बयालीसवें संविधान संशोधन उन्नीस के द्वारा आर्टिकल तीन सौ और ख जोड़ा गया अब इसको देखेंगे कि यल चंद्र कुमार की केस क्या है और हाई कोर्ट के आर्टिकल 226 के अंतर्गत इसमें क्या निर्णय दिया आप स्क्रीन पर देखें ये केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रशासकीय विधि के अंतर्गत जब प्रशासनिक अधिकरण पढ़ते हैं तो अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंतर्गत भी ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है और भारतीय संविधान के आर्टिकल टू में भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है तो मैं दोनों को एक साथ अगर यहाँ बताने का प्रयास करूँ कि संविधान की आर्टिकल दो के अंतर्गत हाईकोर्ट कैसे प्रशासनिक अधिकरण पर भी अपनी अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है अब इसमें देखें बयालीसवें संविधान संशोधन उन्नीस के द्वारा भारतीय संविधान में दो प्रावधान जोड़े गए आर्टिकल तीन क का और आर्टिकल तीन सौ का जो यह प्रावधान करता था कि प्रशासनिक जो मामले हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट्स हैं उनके निस्तारण के लिए उनके त्वरित निस्तारण के लिए शीघ्र विचारण के लिए और स्पीडी जस्टिस के लिए शीघ्र न्याय के लिए जो संविधान की आर्टिकल इक्कीस द्वारा मैंडेटेड है शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने के लिए व्यक्ति को एक स्पेशल कोर्ट विशेष न्यायालय की स्थापना की जाए यह सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संसद ने वर्ष उन्नीस में संविधान के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण संशोधन किए कि प्रशासनिक मामलों का निस्तारण प्रशासनिक अधिकरण के द्वारा किया जाए अधिकरण से तात्पर्य यहाँ पे ट्रिब्यूनल से तात्पर्य एक ऐसी क्वासाई जुडिशियल बॉडी से है अर्ध निकाय अर्ध न्यायिक संस्था से है जो किसी प्रशासनिक प्रशासन और नागरिकों के मध्य विवाद को निस्तारित करने के लिए गठित किए जाते हैं तो ट्राइब्यूनल भी एक प्रकार का न्यायालय है बट वह क्वासाई जुडिशियल बॉडी है क्योंकि उसमें न्यायाधीश नहीं होते रिटायर्ड सेवानिवृत्ति या सिविल सेवक नियुक्त किए जाते हैं प्रशासनिक अधिकरण में और उसके पीछे मनशाए रहती है कि जो प्रशासनिक अधिकरण हैं जो स्पेशल कोर्ट रहेंगे हम जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बोलते हैं प्रशासनिक न्यायाधिकरण उसमें अगर प्रशासन के लोग बैठ के प्रशासनिक मामलों का निस्तारण करेंगे तो वह प्रशासन के विषय से भली भात अवगत होते हैं और त्वरित न्याय होगा स्पीडी जस्टिस होगी तो यह सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक मामलों का निस्तारण केवल और केवल प्रशासनिक अधिकरण से किया जाए परंतु उसमें एक खामी थी एक कमी थी उस संशोधन में कि प्रशासनिक अधिकरण के द्वारा लिए गए निर्णय निर्णय की समीक्षा राज्य का हाई कोर्ट नहीं करेगा सीधे सुप्रीम कोर्ट करेगा और सुप्रीम कोर्ट भी आर्टिकल वन थर्टी सिक्स के अंतर्गत विशेष इजाजत से ही अपील स्वीकार कर सकता है अब इस चूंकि मिस्टर इंदिरा गांधी के समय में यह संशोधन हुआ था छह नाइनटीन संशोधन आप इसको देखें और राजीव गांधी सरकार के द्वारा वर्ष उन्नीस में नाइनटीन में एक केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की स्थापना की गई साइट इसको कैट साइट बोलते हैं संक्षेप में इंग्लिश में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्युनल की स्थापना की गई केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और राज्य प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य था कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारियों के मामले को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण डिसाइड करेगा राज्य प्रशासनिक अधिकरण के मामले को स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा उन्नीस से यह स्थापित है और उन्नीस से यह प्रत्येक राज्यों के मुख्यालय में राज्य प्रशासनिक अधिकरण की और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई है अब इसमें प्रावधान किया गया कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और राज्य प्रशासनिक अधिकरण के मामले में राज्य के उच्च न्यायालय को अधिकारिता नहीं होगी अब एक संशोधन आया अभी अब जो वर्ष उन्नीस में कानून बनाया गया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985। उस उस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि जो एक केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है और राज्य प्रशासनिक अधिकरण है इनके द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में सुनवाई नहीं होगी सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही होगा अब उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बाहर कर देना और स्वयं संविधान के आर्टिकल टू में लिखा हुआ है संविधान के आर्टिकल टू 22, 22, को मैं पढ़ रहा हूँ कि संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालय अथवा अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध कोई भी आदेश या निर्णय सुने की समीक्षा करने का रिव्यू करने का अधिकार होगा अब जब आर्टिकल 227 के अंतर्गत अधिकरण शब्दावली की यूज किया गया है तो इसका मतलब है कि हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय अपने राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित किसी भी न्यायालय या किसी भी प्रशासनिक अधिकरण के द्वारा दिए गए निर्णय के औचित्य को लीगैलिटी की समीक्षा कर, कर सकता है रिव्यू कर सकता है जबकि 1985 में संसद ने जो कानून बनाया केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण उन्नीस उस कानून के माध्यम से यह प्रावधान यह हाईकोर्ट के पावर हाईकोर्ट के पावर को निकाल दिया गया कि हाईकोर्ट को पावर नहीं होगी तो यल चंद्र कुमार का केस जो आप स्क्रीन पर देखें यल चंद्र कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया इसी केस में पहली बार उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचारी प्रश्न आया कि क्या उच्च न्यायालय को अपने राज्य के अधिकारिता के भीतर किसी प्र न्यायालय अथवा प्रशासनिक अधिकरण के ऊपर निर्णय करने की समीक्षा नहीं होगी तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1997 में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लीडिंग केस एल चंद्र कुमार का 1997 में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णित किया गया कि न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू संविधान का आधारभूत ढांचा है इसे संसद दो तिहाई या तीन चौथाई बहुमत से भी संशोधन संविधान में संशोधन करके नष्ट या समाप्त नहीं कर सकती है चूँकि संसद के द्वारा बनाया गया कानून 1985 में जो राज्य के हाई कोर्ट को प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय के को रिव्यू करने के अधिकार से वंचित करता है यह आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है अतः इस आधार पर वह प्रावधान असंवैधानिक है और इस तरह से हाईकोर्ट को भी पावर मिल गया कि उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर गठित किसी भी प्रशासनिक ये कैट और साइट के निर्णय की को रिव्यू कर सकता है जुडिशल रिव्यू कर सकता है इसके पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण आप निर्णय देखें आर्टिकल टू ट्वेंटी के अंतर्गत एक केस आया वर्ष 2003 में इसको मैं शीघ्रता से आपको बताने का प्रयास करूंगा समय समाप्ति की ओर है केस का नाम देखें टीके रंगराजन स्लाइड पर आप देखें टीके रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य ए आई सुप्रीम कोर्ट अब एक तरफ मैंने स्लाइड पे लिखा है पूरे फैक्ट इसको संक्षेप में मैंने तथ्य लिखा है कि इसमें क्या घटना घटित हुई टीके रंग राजन बनाम तमिलनाडु राज्य ए आई 2003 सुप्रीम कोर्ट के केस में हम लिखा कि तमिलनाडु राज्य में दो लाख कर्मचारी हड़ताल पर चले गए दो लाख जो है राज्य कर्मचारी स्ट्राइक पर चले गए हड़ताल पर चले गए तो तमिलनाडु राज्य की सरकार ने क्या किया कि दो लाख कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया और जब दो लाख कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया तो ये कर्मचारी हाईकोर्ट के आर्टिकल टू ट्वेंटी के अंतर्गत याचिका दायर करते हैं हाईकोर्ट ने उस याचिका को रिजेक्ट कर दिया कि पहले कर्मचारी राज्य प्रशासनिक अधिकरण में जाएं जो केवल और केवल उनके इसी प्रकार के मामले को निस्तारण करने के लिए बना हुआ है परंतु तो इस साइट की स्थापना की गई है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल संक्षेप में लिखा है देखिए सेट स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल राज्य प्रशासनिक अधिकरण में ऐसे मामले जाते हैं जो सरकार और राज्य कर्मचारियों के मध्य होते हैं तो जब दो लाख कर्मचारी कर्मचारियों की तरफ से मद्रास हाई कोर्ट में आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स के अंतर्गत याचिका प्रस्तुत की गई कि राज्य सरकार के द्वारा दो लाख कर्मचारियों को बर्खास्त करने का निर्णय असंवैधानिक घोषित किया जाए परंतु हाई कोर्ट ने इस आधार पर उनकी याचिका को खारिज कर दिया कि पहले आप लोगों को जो वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है जो विकल्प उपलब्ध है आर्टिकल दो के अंतर्गत वह यह है कि पहले आप राज्य अपने मामले रा, पहले आप एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के समक्ष जाएं प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष अपने मामले को ले जाएं तो इस आधार पर उन्होंने खारिज कर दिया अब दो लाख कर्मचारियों की तरफ से उन्होंने एक अपना संगठन बनाया था दो लाख कर्मचारियों की तरफ से मामला सुप्रीम कोर्ट में आया अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका कर्मचारियों की याचिका को स्वीकार करते हुए निर्णय दिया कि हाईकोर्ट के द्वारा राज्य कर्मचारियों के आवेदन को याचिका को इस आधार पर खारिज कर देना डिसमिस कर देना कि वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है और उन्हें पहले वैकल्पिक उपचार प्राप्त कर लेना चाहिए अगर वहाँ से वह संतुष्ट नहीं है तब वो हाई कोर्ट में आए यह कहना गलत है और हाई कोर्ट के द्वारा लिया गया निर्णय इस मामले में गलत है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया कि चूंकि दो लाख कर्मचारियों के बर्खास्तगी का मामला कोई साधारण मामला नहीं था यह एक विशिष्ट स्पेसिफिक केस था और विशिष्ट मामलों में ही उपचार उपलब्ध कराने के लिए हाईकोर्ट आर्टिकल 226 का प्रयोग करती है इसलिए हाईकोर्ट आर्टिकल 226 के अंतर्गत वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होने के बावजूद भी उस विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दो लाख कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उस मामले में हाईकोर्ट को सुनवाई करनी चाहिए थी तो इस तरह से इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यद्यप की हड़ताल जो है स्ट्राइक करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है इसमें एक और महत्वपूर्ण केस आया इसमें एक और ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये संविधान के आर्टिकल उन्नीस एक और इक्कीस में भी इम्पोर्टेंट है कि कोई भी कर्मचारी हड़ताल करने का दावा नहीं कर सकता कि स्ट्राइक करना हो अगर उसकी मांगे नहीं मांगी जा रही हैं तो वे हड़ताल पर चले जाएंगे निश्चित काल के लिए जिससे सरकार का कार्यकाजप हो जाए और सरकार को आर्थिक नुकसान हो तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हड़ताल जो है स्ट्राइक करना है उनका मौलिक अधिकार नहीं है और राज्य उस पर निर्बंधन लगा सकती है परंतु उनको साथ ही साथ उनको उपचार प्राप्त करने का रेमेडी प्राप्त करने का अधिकार है उनका मौलिक अधिकार वो अगर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो हाईकोर्ट कोर्ट इस आधार पर उनके एप्लीकेशन को खारिज नहीं कर देगी कि पहले आप किसी दूसरे फोरम पर जाएं, आपके लिए विकल्प अगर उपलब्ध है तो आप पहले उस विकल्प में उस विकल्प को वहाँ पर दरवाज़ा खटखटाएँ अगर वहाँ से निराश हताश होते हैं तब आप कोर्ट में आएँ यह गलत है सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीधे कोर्ट को उस मामले में सुनवाई करनी चाहिए थी तो इस प्रकार से मैंने आपको टीके रंगराजन के केस को और उसके तथ्य को संक्षेप में बताते हुए मैंने हाइबीएस कार्पस की केस को बताया सुनील बत्रा कानून के केस को बताया परमादेश अधिकार पीछा और इस तरह से इस व्याख्यान के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया कि आर्टिकल टू के अंतर्गत हाईकोर्ट कैसे हाईबीएस कार्पस परमादेश को वारंटो अधिकार परीक्षा प्रतिषेध और रिट याचिका के माध्यम से नागरिक अधिकारों का संरक्षण करती है और साथ ही साथ संविधान के अंतर्गत हाई कोर्ट नागरिक अधिकारों का संरक्षक के रूप में जाना जाता है तो कैसे वह अपने अधिकारों संवैधानिक दायित्वों की भी पूर्ति करती है जिसके अंतर्गत मैंने केस के माध्यम से आपको कालू शान्याल का केस सुनील बत्रा वैसे दिल्ली प्रशासन का केस टी के रंगराजन का केस मैंने बताया और इसमें यल चंद्र कुमार का केस बनाम भारत शंघ का केस बताया जितने सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट केस हैं आर्टिकल 226 पे वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया मुझे पूरा विश्वास है कि इस व्याख्यान के माध्यम से निश्चित रूप से आप लाभान्वित हुए होंगे यदि आप पूरे केवल इसी स्लाइड को देखें तो आपको प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा से संबंधित पूरे साक्ष कंटेंट तत्व तो मैंने आपको देने का प्रयास किया है इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस व्याख्यान को समाप्त करता हूँ धन्यवाद थैंक यू thank <laughs> you